सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइट में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। सर्व हिंदू समाज का बयान, 28 अगस्त को मेवात में निकालेंगे ब्रिज मंडल यात्रा। घोसी उपचुनाव, कांग्रेस ने सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह का समर्थन किया। सोनिया गांधी श्रीनगर पहुंची, बेटे राहुल गांधी से मिलेंगी। इसरो ने चंद्रयान का नया वीडियो जारी किया, चांद पर चहलकदमी करता दिखा रोवर प्रज्ञान। देश में कोरोना के 60 नए मरीज मिले, एक्टिव केस 1500 पार। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। एक दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचेंगे जेपी नड्डा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सीएम धामी से मिले नैनीताल जनपद के भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा। प्रदेश के लोगों को मिलेगी बारिश से राहत, अगले 8 से 10 दिन सामान्य रहेगा मौसम। यमकेश्वर विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से की मुलाकात, विकास कार्यों पर जताया संतोष। अल्मोड़ा में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया शहीद नरसिंह और टीका सिंह की मूर्ति का अनावरण। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।